ग्रीष्मकालीन मौसम शुरू होते ही एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने अपने कार्यालय के सभी पटल का औचक निरीक्षण किया तथा साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर किए जाने, ऑफिस में आने वाले फरियादियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने तथा उनके बैठने सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले लोगों को बैठने के लिए स्थान पर पंखा लगाया जाए तथा उनके लिए विश्राम स्थल भी बनाया जाए। इसके साथ ही एसएसपी ने अपने कार्यालय के फाइलों को भी देखा तथा उसे पूरी तरह से व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने मातहतों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए जिससे आगंतुकों को कोई दिक्कत न उठानी पड़े। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, या तो वो ऊपर चला जाएगा, निकलने का हमको लेना पीछे का भैया जी। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियां ख़त्म पूरी तरह से होकर गर्मियों का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा मौसम में बदलाव हो जाता है। ऑफ़िस की फाइलें, ऑफ़िस का रखाव इस समय बेहतर हो, इसको ध्यान में रखते हुए ऑफ़िस के जो कमरे हैं, जो भी सेक्शंस हैं, स्टाफ हैं, उनका भ्रमण किया गया, जिससे कि जो गर्मी की व्यवस्था है, पंखे, कूलर, पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की, जिससे कि कर्मचारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव ना पड़े और यहाँ पर आने वाले जनता को भी सुविधाएँ मुहैया करा सकें, उसको देखते हुए आज एक छोटा सा भ्रमण रखा गया ऑफिस के बाकी अफसरों के साथ में, और कुछ दिशा निर्देश दिए गए और साथ में कुछ तय किया गया कि जनता के लिए और भी हम सुविधाएँ बढ़ाएंगे। एक विश्राम स्थल या वेटिंग रूम बनाने की भी बात हो रही है कि एक जगह तय करके, और जिससे कि जनता को हम वहाँ पर विश्राम के लिए बैठा सकें, और थोड़ा बहुत जो सेक्शंस के जो फाइलिंग थी उसके रखरखाव के बारे में ध्यान दिया गया और कुछ पार्टीशंस, कुछ रद्दोबदल करने की कोशिश की गई।